हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड कराते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, लेकिन उसमें आपको ओनली क्वेश्चन और आंसर ही मिलेंगे। अगर आपको जाननी है कुछ और एक्स्ट्रा बातें तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के जो क्विज मैंने आपको दी थी सोल्व के लिए, उसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। कुछ दोस्तों ने शायद कल का वीडियो नहीं देखा है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डेली की क्विज मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसका सॉल्यूशन आपको देना होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करता हूँ। तो यहाँ पे जो कल का क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल का क्वेश्चन था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का हाल ही में जांगला गांव में उद्घाटन किया गया है, ये जांगला गांव कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर होगा जांगला गांव है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज और साथ ही लास्ट में देखेंगे आपके लिए जो क्विज है उसको भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन चुका है? तो राइट आंसर होगा आपका महिंद्रा कोटक बैंक। महिंद्रा कोटक बैंक जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है मूल्यवान बैंक बन चुका है इंडिया का, और इसने जो है SBI को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। SBI की अगर आप पोजीशन की बात करते हैं तो SBI अभी थर्ड रैंक पे पहुंच चुका है, जबकि फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक जो है फर्स्ट रैंक पे है, आफ्टर देन महिंद्रा कोटक बैंक है, और थर्ड नंबर पे है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बाबर क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है पाकिस्तान ने। देखिए अगर बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की, तो ये 700 किलोमीटर तक मारक क्षमता जो है इसकी है, यानी कि 700 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, और ये जल व थल दोनों मीडियम में जो है इजीली मतलब कि काम करती है, दोनों के लिए ये बनाई गई है जल और थल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रमंडल में दो जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में वो जीता है मीराबाई चानू ने। देखिए अगर बात करते हैं मीराबाई चानू की, तो इसका जो इनका जो पूरा नाम है वो है सेखोम मीराबाई चानू, और ये जो है प्लेयर कौन सी हैं, भारोत्तोलन की प्लेयर हैं ये, और इम्फाल की ये रहने वाली है। इनको पहले ही जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, और इन्होंने इनको जो ये गोल्ड मेडल मिला था ये 48 किलो श्रेणी वाली जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर ये गोल्ड मेडल इन्हें मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में श्री राम कुमार का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों चित्रकला से संबंधित थे राम कुमार वर्मा, एक जो है पेंटिंग से रिलेटेड थे ये। एक यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपना 71वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने अपना 71वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो वो किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली अपना जो है जो 71वां स्थापना दिवस वो सेलिब्रेट किया है। इसकी बात करते हैं तो देखिए 1948 में टोटल 30 राज्य की रियासतों को विलय के बाद जो है इसका मतलब कि यहाँ पर अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में चौगम सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो चौगम सम्मेलन 2018 जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ है। एक यहाँ पे देखिए, हाल ही में ताइपे चैलेंजर टूर्नामेंट किस खिलाड़ी से मतलब कि किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जो ताइपे चैलेंजर टूर्नामेंट है वो जीता है यूकी बांबरी ने। यूकी बांबरी ने ये टूर्नामेंट जीता है, और ये एक टेनिस प्लेयर है इंडिया की, और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये पहली भारतीय लेडी है जिसने जूनियर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2014 जो है जीता था दोस्तों। फर्स्ट लेडी है जिसने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2014 जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है यूकी भामरी ने। एक यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसने तेलंगाना पीएम में सॉरी यहाँ पे किसने हाल ही में तेलंगाना में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है? तो अभी तेलंगाना में जो पीएम उज्ज्वला योजना का आपने नाम सुना होगा, उसकी शुरुआत किसने की है? तो वो की है धर्मेंद्र प्रधान ने।
धर्मेंद्र प्रधान कौन है आपको मैं बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है बीजेपी से राज्यसभा के एक सदस्य हैं और साथ ही ये पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस अभिनेता को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में जो यहाँ पे ये राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो मिला है दोस्तों धर्मेंद्र को। ठीक है, धर्मेंद्र को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और आपको मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे और एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया है इससे रिलेटेड, वो भी आपको मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सातवें होम एक्सपो 2018 की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो जो सातवां होम एक्सपो जो हुआ है 2018 का शुरू, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बात करते हैं आज की क्विज जो आपके लिए है और जिसका सॉल्यूशन मैं कल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसका आंसर जो है अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी का पहला बेस स्टेशन कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर आप जो है यहाँ पे ऑप्शन से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, चाहे से आंसर प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, चाहे से गलती ही हो क्यों ना हो, इससे जो है आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलता है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त नए हैं, आगे की हर वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।